ओ हाय, दिस इज अभिषेक राजपूत, प्लेबैक सिंगर फ्रॉम मुंबई। सर, अभी हाल ही में आपके को गाना बहुत वायरल, तेजी से वायरल हो रहा है, इसके जी बारे में क्या कुछ कहना चाहते हो? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि हर हर महादेव दोस्तों, और सावन में महादेव की कृपा हुई है। और मेरा एक मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, जो कि डुएट सॉन्ग है, और ये इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल चल रहा है, ट्रेंडिंग पे है। मोर देन 182,000 उस पर रील्स बनी है और काफ़ी मिलियन व्यूज़ जा रहे हैं, तो सो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। तो थैंक यू सो मच, आप लोग की प्यार की वजह से मेरा गाना ट्रेंड कर रहा है। और आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में सर जानना चाहते हो? आने वाले कुछ के बारे में ये बोलना चाहूँगा, गाने तो मैंने बहुत सारे अभी गा चुका हूँ मैं, और अभी कंटिन्यू गा भी रहा हूँ। अभी मेरे कुछ एक पंजाबी सॉन्ग मेरा रिलीज़ होने वाला है, एक अच्छी मूवी है, मैं अभी बता नहीं सकता उसके बारे में। बाकी मेरे कुछ कंटिन्यू एल्बम्स आ रहे हैं, एक परसों गाना भी रिलीज़ हो रहा है विथ वीडियो। सो बस यही सब सारी चीज़ें चल रही हैं, और कुछ सरप्राइजेस हैं शायद आने वाले समय में, जब मैं डिस्क्लोज करूंगा और मज़ा आएगा। और अपने ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहते हो? ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा, अच्छा म्यूज़िक को पसंद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, और अच्छे कलाकार को प्रमोट कीजिए, बस मैं यही बोलना चाहूँगा। सिंगर की जो मेन कला होती है सर, जैसा किसी का डांस होता है, किसी का जी गाना होता है, जी बड़ा फीलिंग होती है दिल के अंदर, तो जी मतलब वो बयां करने में कितनी आपको कठिनाई का वो होता है, उसके बारे में देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं अपने आप को बोलता हूँ, मैं सिंगर हूँ। जब तक मैं गाता नहीं हूँ तब तक लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है एक डांसर, एक सिंगर, एक एक्टर, जितने भी हैं, उनको सबसे पहले अपने टैलेंट को लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप टैलेंट दिखाओगे नहीं, लोगों के तक रीच कर पाओगे नहीं। तो जब हम अपना टैलेंट दिखाते हैं और लोगों को पसंद आता है, तब वो जाके हमारे बारे में जान पाते हैं। सो ये यही तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को बताने का। बिल्कुल मत शर्माइए, संकोच बिल्कुल मत करिए, जहाँ मौका मिले वहाँ अपना रंग दिखाइए। और आपकी जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहें? जर्नी सर, मैं मुंबई में 2010 से हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं रियलिटी शो वगैरह भी किया मैंने, और टच वुड तब से शोज़ मैं लाइव कॉन्सर्ट्स काफ़ी कर रहा हूँ। जुबिन नौटियाल के साथ कर चुका हूँ, अभी रेणुका पवार के साथ करके आया हूँ, अभी मैं 10 तारीख को फिर नागपुर जा रहा हूँ, जिसमें भूमिका चावला है, अवार्ड शो है, बेस्ट बिजनेस अवार्ड शो करके, बेस्ट करके ये अपना नागपुर में एग्जैक्टली पड़ेगा। तो टच वुड, मैं क्योंकि बचपन से ही स्टेज शोज कर रहा था, तो मेरा पहला प्यार स्टेज शोज था, तो मेरा जर्नी अब तक का बहुत ही अच्छा रहा है, काफ़ी कमाल रहा है। अब मैं प्लेबैक सिंगिंग में उतरा हूँ और मेरी चीज़ें आ रही हैं, लोगों को पसंद भी आ रही हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात को लेकर। शायद आने वाले समय में मेरा भविष्य और भी अच्छा हो सकता है, और होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और आगे के प्लान कुछ? आगे का प्लान मेरा यह है, एज एन कंपोज़र मैं काम करना चाहता हूँ, और मेरे कुछ गाने अभी रिलीज़ भी हो रहे हैं, मैंने कुछ गाने कंपोज किए हैं, और आगे चल के यही अपना म्यूज़िक को ही आगे बढ़ाना है, इसी में चलना है, क्योंकि म्यूज़िक का कोई एंड नहीं है। कुछ गाने मैं गा सकूं, अच्छे गाने रिलीज़ हो सकें, उसके बाद कुछ गाने मैं बना सकूं, यही मेरा आगे का जो प्लानिंग्स है म्यूज़िक को लेकर। और सर, जाते जाते जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? जनता को मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि दोस्तों, अपने अंदर छुपे कला को बिल्कुल मत छुपाइए, आपको जहाँ मौका मिले सबसे पहले अपने आप को खुल के अपनी चीज़ों को दर्शाइए, और कभी भी किसी के सामने संकोच मत, आपके अंदर टैलेंट है, कोई छीन नहीं सकता। तो अपने आप को प्रिपेयर रखिए, जहाँ मौका मिले वहाँ अपने टैलेंट को दिखाने में बिल्कुल भी संकोच मत करिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।